नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि हमारी बिरादरी में आज तक ऐसा किसी ने हल्का और मतलब गिरा हुआ काम किसी ने नहीं किया, क्योंकि हमारी बिरादरी में कुछ भी मसला होता है तो हम हमारी बिरादरी की बड़े बड़े लोग जो समाजदार किस्म के लोग रहते हैं वो आपस में बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। और ये मामला जो है ऑलरेडी 8 साल पहले पूरा पड़ गया था और अभी ज़बरदस्ती मेरे को मेरा नाम उछाल के मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बात मैं आपके सामने जो कर रहा हूँ वो मुझे खुद को शर्म आ रही है कि मेरा काम नहीं है कि मैं ऐसे मीडिया के सामने बैठूँ और अपना क्लियरिफिकेशन दूँ, मेरा वो काम नहीं है। लेकिन मजबूरन मेरे साथियों ने कुछ बताया कि भाई अगर आप अपना क्लियरिफिकेशन नहीं दोगे और आप अपनी सफाई पेश नहीं करोगे तो लोगों के नज़र के सामने आप मतलब एक पे चोर गिरे जाओगे और आपके ऊपर इल्ज़ाम जो लगे वो सही है। इसके लिए मुझे आप लोग को बुलाना पड़ा और अपना मतलब क्लियर करना पड़ा कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम जो लगे वो गलत है। किस तरह का इल्ज़ाम लगाया आप पर? मेरे ऊपर एक तो इल्ज़ाम लगाया है कि इसमें UNC के जो फ्लैट बेच दिए, बराबर, एक तो इल्ज़ाम उन्होंने वो लगाया कि UNC के मैंने फ्लैट बेच दिए। ऑलरेडी हमारे समाज के एक मौलाना खामोश साहब करके है, वो इंतकाल हो गए जब हमारा उनका सब ये मसला चल रहा था। तो ये मामला अभी से नहीं चल रहा है, ये मामला करीबन 9 साल पहले से इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है। उसमें हमारे जो 5 पार्टनर जो साइन किया है उसमें से एक पार्टनर तो ऐसा है ना, उसको जब तक 9 साल हो गए वो जब तक मेरी 100 मरतबा दिन में बुराई नहीं करता है, 100 मरतबा मेरी बुराई नहीं करेगा तब तक तो उसका खाना हजम नहीं होता है। तो ऑलरेडी हमारा ये 9 साल पहले हमारे समाज के मौलाना खामोश साहब थे उनके सामने सारी बातें हो गई थी और उसके अंदर UNC का फ्लैट का मेरे पर एलिगेशन जो किया है कि UNC के फ्लैट उनके मैरिज ने किया है कि ये UNC के फ्लैट सस्ते में बेच दिए। मैं आपको गुजराती में, हम लोग गुजराती है तो गुजराती में उसका पढ़ के आपको सुना देता हूँ। UNC अर्बन लैंड सीलिंग ना जे पण रुपया भरवाना छे अथवा नव भरवानो आवशे ते भरवानी भरवानी जवाबदारी अब्बास नूरमोहम्मद बद्रा और इब्राहिम नूरमोहम्मद बद्रा ने रहेशे। एमां अब्दुल रशीद गुलाम हसन मरेडिया और रिजवान अब्दुल रशीद मरेडिया की कोई जवाबदारी रहेशे नहीं। और UNC ना जे फ्लैट, देखो इसमें लिखा है UNC ना जे फ्लैट आपवाना छे ते फ्लैटो बनावी आपवानी और गवर्नमेंट ने आपवानी जवाबदारी अब्बास नूरमोहम्मद बद्रा और इब्राहिम नूरमोहम्मद बद्रा ने रहेशे। ये गुजराती में लिखा है, आपको करना दुकान। दूसरा एलिगेशन मेरे पर लगाया है कि बद्रा अपार्टमेंट के ऊपर आपने 2 माले अनऑथराइज बनाए, बराबर। ऑलरेडी जब मैं निकला उस वक्त मैंने हमारे जो मौलाना जो थे उनके सामने बात कर दी थी कि ऑलरेडी हमने जो फ्लैट जो है रिवाइज के अंदर डाला है लेकिन स्टेट इन्वेस्टमेंट की NOC हमको नहीं मिली है, वो हमारी मजबूरी है। तो मैं अभी कंपनी छोड़ रहा हूँ तो वो बना के जिम्मेदारी देने की जिम्मेदारी आपकी। उसके अंदर मैंने जो एलिगेशन किया था कि अल्ताफ देदरिया जो एक केस किया है उन्होंने, बराबर है, तो उन्होंने उनको भी मतलब सस्ते में फ्लैट बना के बेच दिया। अल्ताबा अकेले नहीं बल्कि 8 फ्लैट थे, हमने सबने मिल के मशवरा करके डिस्कस करके, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है तो कंपनी में सारे डायरेक्टर डिस्कस करके हम लोग बना देते। तो वो जो फ्लैट बना है उसका भी मैं आपको गुजराती में हमने लिखा है, उसका आपको डिटेल पढ़ा देता हूँ। पूरा जो मामला है वो किस रियल एस्टेट का है, वो किस वेस्टर्न रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें आपका दायित्व क्या था? हाँ, मैं आपको पहले बद्रा अपार्टमेंट का आपको बोला तो बता देता हूँ। बद्रा एपार्टमेंट जे माळा रिवाइज प्लान माटे मुकेला छे अने ते टाइम पर रिवाइज प्लान मुकेलो हतो अने प्लान पास थवा अगाउ 2 माळा बनावी राख्या हता, ते वखते रिवाइज प्लान माटे स्टेट इन्वेस्टमेंटनी मंजूरी देवानी हती पण मंजूरी न मळवाने कारणे रिवाइज प्लान पास थयो न हतो अने 2 माळा बनावी अलग अलग पार्टીઓને વેચ્યા છે અને રેગ્યુલાઇઝ કરવા અને તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી અબ્બાસ નૂરમોહમ્મદ બદ્રા અને ઇબ્રાહિમ નૂરમોહમ્મદ બદ્રાને રહેશે, એમાં અબ્દુલ રશીદ ગુલામ હસન મરેડિયા અને રિઝવાન અબ્દુલ રશીદ મરેડિયાની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં। ઓલરેડી મેં હમરે સમાજ કે સામે નોટરી કેવા ડોક્યુમેન્ટ હે और उसके पे एलिगेशन कर रहे कि मैंने फ्लैट वो सस्ते में बेच दिया, अल्ता भाई निंदरिया उनके दोस्त थे तो ऐसा करके बेच दिया। इस कंपनी में मैं 96 से लेकर जुड़ा हुआ हूँ, 96 से मैं डायरेक्टर था और 96 में इस एरिए के अंदर क्या क्या माहौल क्या हालत थी और इस एरिए के अंदर क्या डेवलपमेंट था वो तो आप लोग जो यहाँ पे यात्रा पे रहने वाले वो भी जानते हो कि यहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं था। बड़ी मुश्किलों के साथ में मैंने यहाँ पे काम चालू किया और सारे पार्टनर लोग भी डायरेक्टर लोग भी मेरे को उस वक्त सपोर्ट करते थे और मेंबर भी बेचारे उस वक्त यहाँ पे कुछ सुविधाएं नहीं थी और सब ने मिलकर हमने यहाँ डेवलप किया। जब 2006 में मैंने बोल दिया कि मैं अभी रिजाइन देता हूँ तो उन्होंने बोला कि नहीं रशीद भाई आप आगे भी डेवलप करो, उन लोगों ने बात हुआ उसके बाद में मैंने आगे इनका चालू किया कि चलो अभी कंटिन्यू रखना है इसके लिए।
क्या रीजन है आपको बदनाम करने की, क्या रीजन? हाँ, इसमें रीजन ये है कि जो 2008 के अंदर मैंने ऑलरेडी डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो बिस्किट अंकल थे उनके से मैंने टाइटल ले लिया, टाइटल ले लिया, उसके बाद में जब मार्केट अप हुआ तो उसके बाद में उनकी जीवन में फर्क आया। तो उसके बाद में मैंने बोला ना आपको कि एक डायरेक्टर तो इसमें ऐसा कि 100 मरतबा मेरी बुराई नहीं करेगा तब तक उसको खाना हजम नहीं होता है। और रही बात कि अगर मुझे कुछ खोटा करना होता तो मैं जाहिर सी बात है कि इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी इसमें ऐसा कुछ करके जाता कि हमेशा के लिए रोते और मेरे घर के जूते कस थे, लेकिन ऐसा मैंने कोई काम किया नहीं है। क्योंकि मैं गया तो हमारे समाज के मौलाना जो खाबर साहब थे वो बिल्कुल एकदम हमारे समाज के अंदर उनका नाम था कि बड़े इज्जत वाले थे। तो उनके उन्होंने मुझे बुलाया, मैं और मेरे बड़े भाई उस्मान भाई गाँव गए हुए थे, तो मेरे को उन्होंने बुलाया और बुला के उन्होंने कहा कि अब्दुल रशीद भाई देखो आपको मैं समझता हूँ कि भाई उन्होंने पहले मेरे पार्टनर ने बोला कि भाई हम बड़े पार्टनर हैं तो हमको दे दो। तो उस वक्त तो मौलाना ने बोला कि ऐसा नहीं होता है, अगर कितना भी छोटा पार्टनर रहेगा लेकिन अगर उसका हक है 1% का भी है तो 99% वाले को उतना जितना हक है उतना 1% वाले का भी हक है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अब्दुल रशीद भाई अगर आपको समझ में आए या ना आए लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ और मेरी आपकी राय है कि आप इसको इस पर सुलह कर दो, अगर आपको समझ में आए या ना आए। लेकिन मैंने उनके सामने बस उन्होंने बात किया, मैंने सुलह कर ली और उसके 6 महीने के बाद वो दुनिया से चले गए। तो ये बातें मैंने जो बात उनके सामने थी लिखा ली। कोई बेस था जो खुद वो हमारे रशीद एक्स डायरेक्टर है जिसने खुद इलीगल किया है। एक बेस बद्रा अपार्टमेंट में ग्राउंड प्लस 5 पास था, उसने ग्राउंड प्लस 7 कर दिया। कोर्ट को ये बताने में सक्सेस हो गया कि हमारे नीचे जो फ्लैट वाले हैं उनके कंसेंट के बगैर ये 2 माले बने हैं, इसके लिए स्टे दो। और खुद अल्ताफ नेदरिया जो केस करने वाला है वो खुद 603 में रहता है जो, और उसका एग्रीमेंट रशीद करके देता है 2009 में और ये लीगल होता है 2010 में। रशीद और अल्ताफ जो अभी केस करने वाले हैं वो खुद उस फ्लैट को रशीद बेचता है, अल्ताफ खरीदता है और अभी कोर्ट में जाके बोलता है, मैं आपको प्लेन दिखाता हूँ, अभी कोर्ट में जाके बोलता है कि हमारे 2 माले इलीगल है, हमारे कंसर्न के बगैर किए हैं, इसके लिए हमको स्टे दो करके खुद उसने। और वो जो गुजराती पेपर जो आप बोल रहे हैं ना उसमें उसने खुद लिखा है और कोर्ट में ये बोल रहा है। सर 2 मिनट आपको रोकूंगा, जो रिगलाइज करने की बात की है उन्होंने खुद आपके एग्रीमेंट में कहा था कि वो रिगलाइज करना बाकी है, वो करके देने की काम की जिम्मेदारी। हाँ तो मैं दिखाता हूँ ना, मैं आपको एग्रीमेंट साइन किया तो उसको कलम को काटा क्यों? कौन सा वही कि आप रेगुलाइज करके देंगे? तो रेगुलाइज करके दिए ना हमने, एक मिनट, क्या रेगुलर बद्रा अपार्टमेंट के ना दो माले हाँ रेगुलाइज करके दिए ना, तो उसको काटा कहा जाता है? वो तो एग्रीमेंट जो बन गया खत्म हो गया, होने से पहले वो एग्रीमेंट बनाया, वो तो हमको मालूम ही नहीं था। वो रेगुलाइज हुआ है 2010 में और एग्रीमेंट बना दिया है 2009 में ही। ये मानस तमाम फ्लैट और उन्होंने तकलीफ माटे काले जुमानी नमाज पछी तारीख 2018 તેમજ તમામ ફ્લેટ ઓનરોથી મળવા માગે છે। તમારી લડાઈ ઓસી કન્વેન્સ રજિસ્ટરની છે અને અબ્દુલ રશીદ મરેડિયા તમારા સાથે છે। તમામ ભાઈઓને જણાવવામાં આવે છે કે કાલે જુમાની નમાજ બહાર હાજર રહેશો। જબ ઇન્હોને આજ ઉસકી બહેન ઉસકી ભતીજી ઉસકા ભાઈ ઉસકા દામાદ યે લોગ ઓસી માંગને કે લિયે નિકલે હૈ। दूसरा उसने लिखा है कि मैं रजिस्टर करने के लिए तैयार हूँ। हम सब कन्वेंस कब देंगे? जब सोसाइटी रजिस्टर होगी तभी कन्वेंस देंगे। उसने पब्लिक के साथ में जो एग्रीमेंट बनाया है हम जो रजिस्टर करके उसका ही फोटो है, चाहे तो मैं अभी फोटो निकाल के देता हूँ मेरे पास, उसमें साफ लिख के दिखा है ये 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है। ये 12 एकड़ के जितनी भी एम्यूनिटीज़ है कॉमन एम्यूनिटीज़ है सब सोसाइटी, जब पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा, डेवलप हो जाने के बाद हर पूरी सोसाइटी रजिस्टर होगी, पूरी सोसाइटी का एक फेडरेशन बनेगा और फेडरेशन के नाम का कन्वेंस दिया जाएगा। आज वो पब्लिक को बलगला रहा है कि तुमको कन्वेंस दिलाना है इसके लिए मैं आ रहा हूँ। तीसरी बात कर रही है सोसाइटी रजिस्टर करने का, तो सोसाइटी रजिस्टर करने के लिए जहाँ उसकी बहन रहती है, जहाँ उसकी भतीजी रहती है, जो लोग केस में इन्वॉल्व है वही सोसाइटी खुद रजिस्टर नहीं करने देते हैं। उसके अलावा बाकी जितनी 8 सोसाइटी थी ये रजिस्टर हो गई। अब अल्ताफ निंदरिया खुद केस में इन्वॉल्व है, हमको मालूम है, हम लोग कन्वेंस देने के लिए तैयार है। तो जब कन्वेंस देने के लिए तैयार है तो पहले सोसाइटी तो बना, और हमारे पास नोटिस है, चाहिए तो मैं आपको नोटिस देता हूँ, आपको मैं को नोटिस प्रोवाइड करूँगा कि सोसाइटी बनाने के लिए हमने उनको नोटिस दिया। हमने उनको नोटिस दिया कि 100 प्रोसीजर के बाद आपको ओसी मिलेगा, 100 प्रोसीजर के बाद हम आपको कन्वेंस देंगे। उसके बावजूद भी वो कोर्ट में जाके अननेसेसरी जो मजहबी मुद्दा था मस्जिद का, जो उसने खुद एग्रीमेंट में लिखा है कि 3,000 का 2 मदरसा देना, उसकी जगह पर आज हम लोग 13,000 का दिया है।
आज कोई देता है क्या इतना बड़ा? अभी जो मस्जिद आपने देखे, जो लोगों ने नमाज पढ़े, कितने सारे नमाज पढ़े, 13,000 का प्लॉट जो उसने गार्डन में बना दिया था, गार्डन में मस्जिद 13,000 की बना दी थी, जबकि वहाँ हॉल सिर्फ 3,000 का था, लेकिन उसने डेवलप कितना कर दिया था, 13,000 का। 2010 में हम लोग रिवाइज किए, 13,000 में जितना गार्डन था, उस गार्डन को हमारा कोर हाउस था, वो कोर हाउस कैंसिल करके हमारा गार्डन हम लोग ने वहाँ ट्रांसफ़र किया। 97 के प्लान में गार्डन 10,000 मीटर था, 2010 के प्लान में गार्डन जो है 11,000 मीटर है, तो हमने पब्लिक की कोई अमेनिटीज की नहीं। दूसरी बात देखो, ये 15 मीटर का डीपी रोड है, वहाँ के टेनेंट का इनका कुछ कंसर्न लेना नहीं, ये जितने भी केस करने वाले हैं वो उस तरफ की बिल्डिंग वाले हैं, तो उस तरफ की बिल्डिंग वालों को ये बिल्डिंग से क्या आपत्ति है? अब जब नेचुरल सब डिवीजन हो जाता है और ऑलरेडी डीपी रोड बन चुका है, उसके बावजूद भी मस्जिद को मुद्दा बनाकर, अपने खुद के फ्लैट को मुद्दा बनाकर, लोगों को कोर्ट को घुमरा करके स्टे लाया है। आज जितने लोग परेशान हैं उसी के लिए, ओसी के लिए, कन्वेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये जितने 400 फ्लैट वाले हैं जो बेचारे आज ये पैसा लेके बैठा है, हम तो इधर 2010 में आए, ये पैसा लेके बैठा है 2007 से। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।